नारायण 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 नारायण। आज सुबह भगवद गीता का महात्म्य चला था, पहले अध्याय का महात्म्य था। भगवद गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, उपनिषद को उपनिषद के मंत्र कहे जाते हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र कहे जाते हैं और भगवद गीता के श्लोक कहे जाते हैं। लेकिन ये भगवान पद्मनाभ के श्रीमुख से निकली गीता है, इसलिए उसका एक एक अक्षर मंत्र माना जा सकता है। गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है कि जिसमें सबका अधिकार है, केवल हिंदू जाति का ही अधिकार नहीं, मानव मात्र का अधिकार है। एनी बेंसेंट लिखती है कि यूरोप के लोग गीता को धर्म ग्रंथ नहीं मानते, फिर भी इससे प्रेरणा बढ़िया लेते हैं। ईश्वर सर्वत्र है और एक है, ये बात लोग नहीं जानते, इसलिए भले अपने अपने धर्म के है वाड़े में रहते, लेकिन गीता तो प्राणी मात्र का विकास चाहती है। किसी धर्म विशेष या जाति विशेष या संप्रदाय विशेष की निंदा स्तुति गीता में नहीं है। जय श्री कृष्ण, ये मनुष्य का विकास करने की बात बता रही गीता। ब्रह्मसूत्र विद्वानों के लिए है, उपनिषदों का अमृत जिज्ञासुओं के लिए है, लेकिन गीता का अमृत तो मनुष्य मात्र के लिए है। मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि विश्व में इतना ज्ञान सभर ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ और इतना ज्ञान भरा हुआ, अगर कोई ग्रंथ है तो ये पहला नंबर ग्रंथ है ब्रह्म भगवत गीता। कलकत्ता में किसी सभा के अध्यक्ष पद पे बैठे थे मदन मोहन मालवीय जी। पत्रकारों ने पूछा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी को तिलक जी को जेल में डाल दिया और आप अभी भी सभाएं भर रहे, तो क्या आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारे से डरती है? मालवीय जी ने कहा, इतनी बड़ी सरकार मुझ एक व्यक्ति से क्यों डरेगी, और मैं सरकारी आदमी हूं नहीं, चालू गाड़ी में बैठने वाला आदमी मैं नहीं हूं, मैं सरकारी आदमी भी नहीं हूं और सरकार मुझसे डरती है ऐसी बात भी नहीं। पत्रकारों ने पूछा, तो फिर आप घूम रहे हैं मुक्त होकर, गांधी जी जैसे तिलक जैसे को जेल की रोटियां खानी पड़ती है, तो ये क्या कारण है कि आपको ब्रिटिश शासन कुछ करता नहीं है? तो आप ब्रिटिश के आदमी हैं ये बात भी नहीं, सरकारी आदमी है और सरकार आपसे डरती है ये बात भी नहीं है, तो फिर आप इतनी सभाओं के अध्यक्ष हो रहे हैं, मुक्त घूम रहे हैं, इसमें क्या कारण है? मालवीय जी ने कहा, कारण यह है केवल गीता के ज्ञान का अमृत मैं अपने ढंग से जीने की कला सीख गया हूं, बोलने की कला सीख गया। गांधी जी कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और मेरे कहने में कहता तो मैं भी वही हूं, लेकिन मेरी भाषा कृष्ण जैसी मधुर भाषा है। गांधी जी कहते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विरोध करो, मैं बोलता हूं स्वदेशी ही पहनो, स्वदेशी का ही उपयोग करो।
स्वदेशी का ही उपयोग करो तो विदेशी का बहिष्कार हो गया, लेकिन मेरी भाषा में कायदे का भंग नहीं आता। ऐसे श्री कृष्ण की भाषा में किसी के अहम को ठोकर लगे ऐसा नहीं है। और फिर श्री कृष्ण हंसते खेलते ऐसा बांट देते हैं कि अपने वालों को तो अपने लगते हैं, लेकिन जो कृष्ण को पराये मानते हैं उनको भी गहराई से कृष्ण अपने लगते हैं। श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, क्रांतिकारी व्यक्तित्व, बड़ा अद्भुत। त्यागियों ने घर बार का त्याग करके गिरी गुफाओं में तप किया, तपस्वियों ने तप किया, योगियों ने योग किया, लेकिन कृष्ण तो ऐसा कुछ करके बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की गीता में त्याग भी मिलेगा, तप भी मिलेगा, योग भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा। श्री कृष्ण के जीवन में देखा जाए तो सर्वांगी सब तरफ से पूर्ण। युद्ध के मैदान में भगवत गीता जैसा ग्रंथ, इस ग्रंथ के चार प्रवक्ता हुए। भगवान श्री कृष्ण 70 वर्ष की उम्र के थे तब घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में एकांतवास के लिए अज्ञात बिल्कुल विरक्त जीवन बिताए 13 वर्ष तक। 70 वर्ष से लेकर 83 वर्ष तक एकांतवास की छांदोग्य उपनिषद में बात आती है। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने भक्ति को, योग को और ज्ञान को यों बरसा दिया है। व्यास की कृपा से संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है और कृष्ण अपना ही उपनिषदों का अनुभव अर्जुन को निमित्त करके विश्व के कल्याण के लिए बरसा रहे और ऋषि अपने शिष्य को दे रहे और वेदव्यास जी महाराज समाधि में बैठकर जो उपदेश संवाद बीता है वो बोलते जा रहे हैं और गणपति दादा लिखे जा रहे हैं और महाभारत की रचना हुई। महाभारत का ग्रंथ जब संपन्न हुआ है, अब देवताओं ने उनका अभिवादन किया है, गणपति देव का और वेदव्यास जी का। जिस दिन महाभारत का ग्रंथ पूर्ण हुआ है, महाभारत का ग्रंथ पांचवा वेद माना जाता है, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं, सब प्रकार का ज्ञान भर दिया गया है, तो देवताओं ने जब अभिवादन करते हुए आर्ष ग्रंथों को जन साधारण के उपयोग में लाने वाला जब महाभारत का ग्रंथ तैयार हुआ तो देवताओं ने वरदान दिए कि आज व्यास पूर्णिमा है, इस दिन जो गुरु के चरणों में जाएंगे उनको वर्ष भर के सत्कर्म करने का पुण्य प्राप्त होगा। विश्व का पहला ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ पहला, पूरे विश्व का आर्ष ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, और ब्रह्म सूत्र का लिखने का कार्य भी व्यास पूर्णम को शुरू हुआ था और महाभारत की पूर्णाहुति भी किसी व्यास पूर्णम को पूर्ण हुई थी। भगवान व्यास जी कहते हैं सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्ववेदमयो मनु। सब शास्त्रमयी गीता है, अब सब तीर्थमयी गंगा है। गंगा का नाम ले लो, बात पूरी हो गई। महाराष्ट्र में तो आप किसी भी नदी में स्नान करें तो गंगे हर करके स्नान किया जाता है, गंगा जी बोलते। एकनाथ जी महाराज पैठान में रहते थे और गोदावरी के स्नान करने को जाते थे। कहां गए एकनाथ जी के? गंगा स्नान को गए। एकनाथ जी के लो गंगा जल, आए तो गोदावरी से, कि गंगा सर्व तीर्थमयी गंगा। ऐसे ही सर्व शास्त्रमय ही भगवत गीता है। सुबह की कथा में हम लोगों ने सुना था कि वो ब्राह्मण मनमुख होने से किसी शूद्र के घर जन्म हुआ, बकरी चराते चराते
वो किसी पेड़ के सहारे बैठा और सर्प धनुष हुआ, दूसरे जन्म में वो बैल बना और उस बैल को किसी भिखारी ने खरीद किया और भिखारी भिक्षा मांगने का काम उस पर बैठकर करता था, गांव गांव भटकाता था और वो इतना लापरवाह था कि कभी बैल को चारा घास भूसा भूसा डाल देता, कभी भूल जाता और बैल बेचारा बहुत दुख भोगा और बुढ़ापे में उसको निकाल दिया तो वो बैल कीचड़ में फंसा। कई लोगों ने अपना व्रत तप फल दान किया फिर भी बैल की सदगति नहीं हो रही थी। एक वैश्या ने भगवत गीता तोते के मुंह से सुनती थी, उसका पुण्य अर्पण करा और बैल की सदगति हुई और वो बैल दूसरे जन्म में देवमाली ब्राह्मण के घर अवतरित हुआ और अच्छे संस्कार मिलने से योग की कला हाथ में आ गई और पूर्व जन्म को जान लिया उसने। और फिर वैश्या के पास गया कि माई तूने कौन सा पुण्य अर्पण किया था कि मेरी सदगति हुई। माई बोलती मैं तो वैश्या हूं, मेरा कोई पुण्य नहीं। बोले आज से 16-17 साल पहले कोई बैल फंसा था कीचड़ में जिसके प्राण नहीं निकल रहे थे, लोग उसके पूंछड़े से घसीट के निकालते थे, कोई सींगों पर जोर मारता था, बैल बेचारा रिवा रिवा के भी मर नहीं रहा था और फिर तुमने आकर पुण्य अर्पण किया था। बोले हाँ, मेरे वहां चोर आते थे और उन चोरों ने किसी ब्राह्मण के घर से पीतल का पिंजरा तोते का चुराया था, वो मेरे पास छोड़ गए थे और तोता भगवत गीता का पाठ करता था, वो पाठ मेरे कानों पड़ता था। अब तोते के मुंह से भगवत गीता का पाठ वैश्या के कान पड़ता है तो कीचड़ में पड़े हुए बैल की सदगति होती है, तो ये संसार रूपी कीचड़ में पड़े हुए मनी राम बैल की अगर सत्संग के द्वारा गीता ज्ञान भीतर जाए और सदगति हो, इसमें क्या संदेह है। जय श्री कृष्ण। पैठाण में हो गए एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज कथा करते हैं उस समय अपने इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने निज स्वरूप नारायण तत्व में विश्रांति दिलाकर फिर बोलते हैं, तो उस संत प्रवर की वाणी सुनकर लोगों के चित्त को शांति मिलती है क्योंकि उस संत ने आत्मिक प्रसाद पाया था। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चित्सो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। तो चित्त शांत होता है तो बुद्धि में प्रसन्नता का प्रसाद आता है और प्रसन्नता के प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाते, वक्ता के भी दूर होने लगते, श्रोता के भी दूर हो जाते। रोतो रोतो जाए तो गांव हमी गोफण फेंके, गुजराती मां कहवत छे। तमारा घर मां जो जमणवार हसे ने मजानू हसे ने तो घणा लोग आवशे ने बेसे ने वातो करशे, पण घर मां रांधवाना रसोईना धुमाड़ियाना गोटे गोटा हसे ने तो लोग कहसे हूँ थोड़ी बार रही ना छू, मारे जरा काम छो। जय श्री कृष्ण। हंसते के साथ हसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। सुखियारा साथे बदा भेगा होए, दुखिया रो रोतो रोतो रहे तो एना पक्ष में कौन। गॉड हेल्प्स धोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान एने ज मदद करे छे के जे पोताने मदद करे छे, अने पोताने मोटामां मोटी मदद करवी ए छे के तमारू चित्त शांत रहे अने अंदरनो प्रसाद प्राप्त थाय, ए तमे पोताने मदद करी। अने जे पोताने मदद करी शकतो नथी ए बीजाने मदद करवानी डींग मारे, ए संभव नहीं। जो आदमी अपना भला नहीं कर सकता है वो दूसरों का भला करे, ये संभव नहीं। મારા પેટમાં ભૂખ ચક્કર આવતા હો અને બીજાનું જમાડો રસોઈ બનાવો જમાડો, શક્ય નથી। તુમ્હારે ચિત્ત મેં પ્રસન્નતા નહીં, તુમ્હારે ચિત્ત મેં શાંતિ નહીં, તુમ્હારે ચિત્ત મેં સમજ નહીં, તો તુમ્હારે સંપર્ક મેં આને વાલે કો ક્યા ખાક શાંતિ મિલેગી, પ્રસન્નતા મિલેગી, સમજ મિલેગી। बढ़िया बढ़िया फर्नीचर से घर को भर डालो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र और अलंकारों से देह को सजा दो, लेकिन हृदय में शांति नहीं तो सब बेकार है। तुम्हारे घर अतिथि आ जाए उसको जूस पिलाओ और महाराज आइसक्रीम खिलाओ और ये खिलाओ और वो खिलाओ और अपना फर्नीचर दिखाओ और बढ़िया मकान दिखाओ, इससे अतिथि प्रसन्न नहीं होगा, थोड़ा प्रभावित होगा और अंदर में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या होगी। जय श्री कृष्ण। किन तुम उसको अपना वैभव दिखाने के बदले उसको आत्म वैभव की निगाह से निहारते हो,
प्रेम से उससे बात करते हो और प्रेम से एक पानी का प्याला ही पिला देते हो, तुम्हारे पास ज्यादा विशेष नहीं है तो फिर भी तुम्हारे घर आया हुआ अतिथि पहले की अपेक्षा उन्नत होगा, क्योंकि प्रसन्नता जो है आदमी की आध्यात्मिक उन्नति करती है। जो आदमी भीतर से उन्नत होता है उसकी बाह्य उन्नति शोभनीय होती है, और जो भीतर से गिरा हुआ होता है बाह्य उन्नति दिखते हुए भी अंदर में शांति नहीं तो बाहर के वैभव किस काम का। पर धन पर मन हरण को चैत वैश्या बड़ी चतुर, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर पीड़ा हर ले, पर पीड़ा तो प्रसाद से आदमी हरता है। तो एकनाथ जी महाराज पर पीड़ा हरने का सामर्थ्य पाए हुए थे। तो एकनाथ जी महाराज की कथा सुनने जो लोग आते थे उनका चित्त शांत होता था, उनकी शंकाएं निवृत्त होती थी, उनको भक्ति का रस प्राप्त होता था, ज्ञान का प्रकाश मिलता था, योग की कुछ किरणें प्राप्त होती थी। धीरे धीरे एकनाथ जी महाराज के तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। एकनाथ जी के तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा तो लोगों को अपने दायरे में बांधने वाले कुछ तत्वों की ग्राहकी कम हो गई। मादड़िया करवा, दोरा धागा करवा, टूना फूना करवा, अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं, साकिनी बांधूं, फुर्र, ए बधू पड़तू थयो, धंधो जरा ओछो थई गयो। जय श्री कृष्ण कही दो ने। उन तत्वों ने मिलकर एकनाथ जी की बदनामी करने का कुछ प्लानिंग किया। तो एकनाथ जी क्या बोलते हैं, या तो अपन सीख के अपने ऐसा शुरू करें, या तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि उनकी कोई वीक पॉइंट, कोई छोटी बात लेकर समाज में अफवाह पैदा कराए। तो जब जब ऐसा प्रकाश बिछाने वाले कोई महापुरुष आए तब तब उनके इर्द गिर्द अच्छे लोग भी आए, और उनको देखकर ईर्ष्या करने वाले, बदनामी करने वाले, बदनामोशी फैलाने वाले तत्व भी पैदा हुए। ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। जैसे कबीर जी आए तो कबीर जी के चरणों में फायदा लेने वाले बहुत पहुंचे, और कबीर जी को बदनाम करने वाले लोग भी कभी कभी प्रकट हो जाते थे। राम जी आए तभी भी ऐसा था, और कृष्ण आए तभी भी ऐसा था। और राम के गुरु योग वशिष्ठ महारामायण में आता है कि रामचंद्र जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या अफवाह बनाकर फैलाते हैं, मेरे को सब पता है, मेरे लिए क्या क्या बकते हैं मेरे को सब पता है, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है, मैं उनको क्षमा कर देता हूं। श्रोता का तो कर्तव्य है कि संत के वचनों को सुनकर अपने हृदय की अशांति मिटा दे, संत का संग करके अपने दिल में परमात्मा का रंग लगा दे, वक्ता के गुण दोष न विचारे, वक्ता की युक्ति विचार के अपना बेड़ा पार कर ले, वही श्रोता सार्थक जीवन बिताता है। एकनाथ जी महाराज ऐसे उत्तम वक्ता थे, फिर भी ईर्ष्या करने वाले लोग कुछ का कुछ उनके लिए अफवाह करते थे। खैर बुद्धिमान लोग तो आते ही रहे, अफवाह करने वाले लोगों ने चंडाल चौकड़ी ने एक अपनी विरोध कमेटी बनाई, एकनाथ जी महाराज नो विरोध करो, इमने उतारी पाड़वा। और विरोध कमेटी का एक आध आदमी हर रोज उनके सभा में जाए और सब निगरानी रखे कि क्या ऐसा कुछ होता है, ताकि उसका कुप्रचार किया जाए। एक दिन की बात है, एकनाथ जी महाराज को उस विरोध टुकड़ी के कुछ बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से मापते गए, देखते गए, तो एकनाथ जी महाराज किसी गिंगरूले सुंदर सुहावने, बालों वाली और कोई अलंकार पहनी हुई, कोई विभूति जैसी एक दिव्य अलौकिक आभा संपन्न कोई महिला के तरफ एकनाथ जी महाराज बार बार देखते थे। अब ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कॉलेज में, स्कूल में जो बच्चा अच्छी तरह से समझता है, प्रोफेसर उधर ज्यादा देखता है, शिक्षक उस बच्चे के तरफ बार बार देखता है, ऐसे ही वक्ता भी समझदार श्रोता के तरफ नजर डालते हैं। देखने वाले की जैसी दृष्टि होती है ऐसा अर्थ निकाल ले। कथा पूरी हुई और वो महिला प्रणाम करके जब जा रही अपनी जगह पर, तो उन चंडाल चौकड़ी के लोगों ने उस महिला का पीछा किया और कुछ का कुछ बकने लगे। माई तो जाते जाते गोदावरी नदी के किनारे तक पहुंची,
तब उस चंडाल चौकड़ी के लोगों ने देखा कि गोदावरी के उस पार तो कोई महल नहीं है, कोई राजभवन नहीं है, ये तो बड़े घराने की माई आखिर कहाँ जाती, तो क्या जाए छे। एकनाथ जी ने तो बहिरू छे, गिरजाबाई छे ने, हरि पंडित छोकरो छे, साधु नथी, ये तो गृहस्थी छे ने, आम छे ने, तेम छे ने, हमारी साथे तू फेरा फरी ले, जो कुछ हल्के लोग बोल सकते हैं वो सब का सब बोलते गए। लेकिन उस महिला के चित्त में शोभ पैदा नहीं हुआ, दुख पैदा नहीं हुआ। भगवत गीता का ज्ञान एक चित्त को ऐसा पावन बना देता है। अपन घड़ियाल लेते ना, तो कोई वाटर प्रूफ होती है, कोई शॉक प्रूफ होती है, कोई फायर प्रूफ होती है, तो कई चीजें कुछ प्रूफ होती है, कोई चीज कुछ प्रूफ होती है, लेकिन भगवत गीता तो तुम्हारे हृदय को झंझट प्रूफ, प्रॉब्लम प्रूफ, आल प्रूफ बना देती है, ऐसी भगवत गीता है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो है महाराज, तत्व ज्ञान आदमी को झंझट प्रूफ बना देता है, आल प्रूफ बना देता है। गीता तुम्हारे से धंधा नहीं छुड़ाती, गीता तुम्हारे से घर बार नहीं छुड़ाती, गीता तुम्हारे से ऑफिस या दुकान या कुछ व्यवस्था नहीं छुड़ाती। ऑफिस दुकान और व्यवस्था में जो तुम्हारा डल और लेजीनेस है, अथवा आलस्य और प्रमाद है, आसक्ति और अहंकार है, जो अविद्या के कारण होता है, बेवकूफी के कारण होता है, वो बेवकूफी छुड़ाकर तुमको तुम जहां हो वहां चमकाना चाहती है, ये भगवद गीता का प्रभाव है। जो धनुष फेंक कर युद्ध न करने की घोषणा कर रहा है, अर्जुन सिर पे हाथ रख के उदास हो रहा है, उस उदास अर्जुन की उदासी भगवत गीता के ज्ञान से गई। शिष्यत्व भगवत गीता के ज्ञान से आया है, और अपने कर्तव्य में दृढ़ता से लगने का सामर्थ्य आया है, और सब कुछ करते हुए भी निर्लेप नारायण होने का ज्ञान उसके हृदय में भर दिया गीता ने, ऐसा भगवत गीता का प्रभाव। हम भी संसार रूपी युद्ध मैदान में है, कभी बच्चों का प्रॉब्लम, तो कभी पड़ोसी का प्रॉब्लम, कभी महंगाई का प्रॉब्लम, तो कभी भेड़ सेड़ का प्रॉब्लम। अजवाइन आता है ना, अजवाइन, जीरू, अजमो, अजवाइन में रेती कांकरे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, खसखस में रेती आने का कोई प्रश्न नहीं है, खसखस तो पोस्ट डोडे में बनती है, रेती का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन मिलावट ऐसी करते हैं कि महाराज खसखस साफ करते करते खोपड़ी साफ हो जाए, अजमेर साफ करते करते खोपड़ी साफ हो जाए, ऐसा मिलावट का दुर्भाग्य अपने देश में चल पड़ा है। परदेश में ये नहीं, परदेश का जो कचरा है वो हमारे देश में बहुत जल्दी आ जाता है, और परदेश की जो योग्यता है वो हमारे देश में हम लोग लाते ही नहीं, वहां भेल सेल नहीं करते, ये उनकी सच्चाई है, योग्यता है, काम करने में बेईमानी नहीं करते, चिपक जाते, लग जाते हैं, और महाराज कार्य करने में बड़े चतुराई से काम करते हैं। हम 3 बार अमेरिका गए, 1 बार भी कहीं पर भी लाइट चली गई हो ऐसा हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ, और भारत में ऐसा कोई प्रोग्राम हमने देखा ही नहीं कि एक दिन लाइट न गई हो किसी प्रोग्राम में। ये क्या है कि डल और लेजीनेस है, कार्य में लापरवाही है, और सब खाना तो ज्यादा चाहते और बदला पगार अधिकार चाहते, लेकिन कर्तव्य पालन में पलायनवादी हो जाते हैं, इससे देश की बड़ी हानि होती है और हमारे जीवन में बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो महाराज एकनाथ जी बड़े आत्मवेता संत थे, उस महापुरुष का दर्शन करने से, उस महापुरुष की वाणी सुनने से श्रोताओं में भी समता का स्वभाव आ गया। लोग गाली दे सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, लेकिन दुखी होना न होना ये अपने हाथ की बात है, जय राम जी की। लोग तुम्हारी प्रशंसा करके फुलाने का प्लानिंग बना सकते हैं, लेकिन फूलना अथवा तटस्थ रहना ये तुम्हारे हाथ की बात है, जैसी कृष्ण। लोग तुम्हारी निंदा करके सुकड़ाने का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन सुकड़ जाना या सम रहना ये तुम्हारे हाथ की बात है। लोग तुम्हारा बाह्य कुछ न कुछ लेकर तुम्हें सताने का कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके करने से तुम अगर अंतर्यामी आत्मा पर निर्भर हो तो उनके सब के सब प्लान यूं धरे रह जाएंगे, और तुम उनके बाह्य प्लानिंग पर आधारित हो और अपने आत्मा का तुमने घात कर लिया, अपने ज्ञान का तुमने अनादर कर लिया, तो तुम्हारा चित्त जर्मन टॉय जैसा हो जाएगा, जर्मन नु रमकड़ू, चाबी आप ही मुकी देन, घड़ीक में आम वड़े, घड़ीक में आम फड़े, पेली मोटर हो रिमोट कंट्रोल नी,
हाथ में जो है रिमोट कंट्रोल आम फिर वो तेम फिर बधी फिर भी ना आयो छु जय श्री कृष्ण। तो जिधर का रिमोट करो उधर की वो मोटर घूमती रहती। ऐसे ही रोटी अपनी खाते, श्वास अपना खर्चते हैं, जीवन अपना जी रहे हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में। लोग जिधर को मोड़ दे, जिधर का कह दे, हम ऐसे ही सुकड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने जीवन जीने की थोड़ी कला होनी चाहिए, थोड़ा प्रकाश होना चाहिए, थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए। थोड़ा सा विकार आया उसने इधर झपेट लिया, थोड़ा सा लोभ आया उसने इधर गिरा दिया, थोड़ा सा मोह आया उधर गिरा दिया, थोड़ा सा अहंकार आया उधर। दिन में न जाने कितनी बार हम थप्पड़ खाते, कितनी बार गिरते हैं, गिरते उठते ऐसे गिरते उठते कि जीवन पूरा हो जाता है। जिससे गिरा जाता है, जिससे उठा जाता है, उस दाता की मुलाकात नहीं हो पाती और जीवन पूरा हो जाता है। तो भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान एकनाथ जी महाराज को आत्मसात हुआ था। उनकी कथा सुनकर जो महिला जाती थी उसको अपमान और मान का प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो गोदावरी में प्रविष्ट हो गई। घुटने तक का पानी, आगे जाते जाते कमर तक का पानी और आगे गोदावरी में। तो उस जमाने में ये डैम बैम का सिस्टम नहीं था, अभी तो नदियां सब सूखी मिलती है क्योंकि डैम बन गए, तालाब बन गए, तो काफी पानी रहता था। वो देखते देखते कंधे तक के पानी में पहुंच गई। उन चंडाल चौकड़ी के लोगों ने देखा कि तो मर जाएगी, अरे कि डूब जाएगी, वो जाएगी। देखते देखते माई तो अलोप हो गई, आपस में लड़ने लगे। मुखिया के पास गए कि एक महिला के पीछे हम पड़े थे, एक नाथ जी उन पर बार बार देखते थे तो हम उसको जरा बहकाने को गए, वो तो माई मर गई, अब इसने मारा। बोले नहीं नहीं, एक नाथ जी ने मारा। अफवाह पैदा कर दो कि बाप जी यू कहीं बोलिया कि एक बाई कथा सांभड़ीन गोदावरी में कूदीन मरी गई, एटले बाबा पाए जशोज नहीं। एक तो कलयुग जल्दी से श्रद्धा होती नहीं, और श्रद्धा होती तो टिकती नहीं, और थोड़ी बहुत टिकती है तो धर्म के नाम पर कुछ तत्व ऐसे होते, अथवा तो कुछ ईर्ष्यालु तत्व भी ऐसे होते कि लोगों की श्रद्धा डामाडोल कर दे। इसलिए कलयुग में भगवत भक्ति करके सफल होना जरा कठिन लग रहा है, असंभव नहीं कठिन लग रहा है। चतुराई से काम लेना पड़े, अपना काम बना लेना चाहिए। तो दूसरे दिन अफवाह पैदा हो गई, एक नाथ जी महाराज की कथा में कोई जऊ नहीं, ए महाराज तो यू कहीं बोले छे कि एक भाई मोटा घरनी हती, हीरा जवेरा तता है रे, अने सुंदर मजानी सात्विक इनी पोशाक हती ने, ए बापजी वारंवार त्या जोता था ने, भाई ने एवी घणा थई कि भाई आप घात करीने मरी गई। और सचमुच अगर जो दुर्जन चाहते ऐसा होने लग जाए तो सृष्टि चले ही नहीं। जो पापी और पामर लोग हैं उनके संकल्पों में दम कम होता है, जो सात्विक और सज्जन होते हैं उनके संकल्पों में ताकत होती है। तो जो दुर्जन आदमियों का संकल्प में पावर हो तो सज्जन आदमी कोई जी नहीं सकता है। ये देव का विधान है कि जो पापी है, पाखंडी है, दुर्जन है, ईर्ष्यालु है, दूसरों को भक्ति से, ज्ञान से, ईश्वर से विमुख करने का प्लानिंग करते, उनकी लेखनी में, उनके अफवाह में शुरुआत में थोड़ा बहुत होता है, बाद में लोग पहचान जाते कि आ तो छेज एवा, जय श्री कृष्ण, आ तो के गर्मा गर्म मसालो वेचवा वाला मानस हो छे, ये तो छेज एवा। महाराज अफवाह पैदा हुई तो लोगों को कौतूहल हुआ कि ऐसी अफवाह होती है, और राम जी के गुरु की भी निंदा करने वाले ने किया, कबीर जी की भी किया, तो अब एकनाथ जी महाराज के लिए बोलते हैं क्या? अपने आंखें देखो, काने सुनो, आंखें देखो, विचार करो फिर बात। इस भाव से दूसरे दिन लोग ज्यादा आ गए। अफवाह पैदा करने वालों ने अनजाने में एकनाथ जी महाराज की एडवर्टाइज कर दी। जैसे बंद का ऐलान होते ही बंद नहीं होगा, बंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे से ही बढ़िया बंद हो गया, जय श्री कृष्ण, भारत बंद नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देने वालों ने ही बंद करने कहा मसाला दे दिया हम लोगों को, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही कभी कभी इनकार भी आमंत्रण देता है। तमें तुम्हारी दीवाल पर लखो कि अहियां थूकवू सखत मनाय छे, पाननी पिचकारी त्यां चालू थशे। तुम अखबार में लिखवा दो कि आ वाँचवानी सखत मनाई छे, अथवा आ वाँचो नहीं। घणी बार कई जगह पर हमने पढ़ा है कि आ वाँचो नहीं, ऊपर हेडिंग हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि पहला ये वाँची लिया आपड़े,
પ્રચાર કરવા વાળા બહુ યુક્તિ વાપરે છે આ વાંચશો નહીં એવું ઉપર લખેલું હોય અને આપણે જોઈએ કે આ વાંચશો નહીં લખેલું છે એટલે આપણે તરત ત્યાં જ વાંચીએ એટલે ત્યાં એકનાથ મહારાજને ત્યાં એકનાથજી કે પાસ જાના મત તો લોકો કે લગા કે ક્યા હે ચલો લોક જ્યાદા આયે ज्यादा आए तो महाराज एकनाथजी महाराज का तो घर का जो प्रांगण था वो भर गया ओसरी भर गई पास का जो गैलरी थी जो गली थी उसमें भी आदमियों की भीड़ एकनाथजी महाराज कथा प्रारंभ करते उसके पहले दो मिनट अपने स्वरूप में विश्रांति पाते हैं शांति पाते हैं अपने राम स्वरूप में कृष्ण स्वरूप में और जो कथा बोलने को जाते तो माई भीड़ को चिरती हुई अपनी जगह पर आकर बैठी बड़ा आदर से नमस्कार करके एकनाथ जी ने दृष्टि डाली कि कल से तो आज बहुत लोग ज्यादा है भगवान ये कलयुग में ब्रह्म ज्ञान सुनने के इतने अधिकारी वाह प्रभु इन लोगों का कितना कल्याण होगा तेरे गीता का ज्ञान भागवत का ज्ञान सुनकर इनका तो कल्याण होगा इनकी 21 पीढ़ियां तर जाएगी प्रभु तेरी जय हो ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और लोगों के लिए सद्कामना कर रहे हैं शास्त्र तो यूं कहता कि सच्चे संत के द्वार अथवा सच्चा संत जहां कथा करता है उस जगह पर आप चार कदम चलकर जाते हो पांचवें कदम से आपके कल्याण की भावना संतों के हृदय में उठती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। वो धनभागी लोग हो गए जिन्होंने एकनाथ जी महाराज के चरणों में बैठकर हरी कथा सुनी। एकनाथ जी महाराज परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। उस महापुरुष का स्वभाव था कथा करते करते बाह्य आंखें बंद करके अंदर के सत्त चित्त आनंद स्वरूप में गोता मार के रत्न ले आते थे। एकनाथ जी महाराज जब आंखें बंद करे तो सभा में हिलचाल मच जाती थी और एकनाथ जी महाराज जब आंखें खोलकर देखे तो सब अटेंशन में आ जाते। एकनाथ जी महाराज ने देखा कि आज कुछ नए लोग हैं और एक माई के तरफ एक दूसरे को संकेत कर रहे हैं। क्या पता क्या बात है। कथा चालदू कथा में उन्होंने इन लोगों की कथा जान ली। जिन्होंने अपने आत्मा को जान लिया उनके लिए बाहर के जगत को जानना कठिन विषय नहीं है। अगर वो चाहें तो जल्दी से जान सकते हैं। एकनाथ जी महाराज ने जान लिया कि हिलचाल किस बात की है। भीड़ का कारण क्या है, हिलचाल का कारण क्या है। कथा जब पूरी हुई तो वो महिला नमस्कार करके विदा हो रही थी तो एकनाथ जी महाराज कहते कि माता जी कल आपको रास्ते जाते समय कुछ तकलीफ हुई होगी, कुछ चंडाल चौकड़ी के लोगों ने आपका अपमान किया है ऐसा मेरे को लगता है। आज मैं अपना सेवक भेजता हूं आपको अपने किनारे छोड़ के आए। माता जी बोलती है कि बाप जी तुम्हारी कथा सुनकर मेरे हृदय में समता आ गई है कि लोग अपमान और मान करने का प्लान करें। अब अपमानित होना दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। सुनकर एक कान से दूसरे कान निकाल दो आपके बात हाथ की बात है अथवा सुना अनसुना कर दो तो बाप जी आपके कृपा से मेरे को दुख नहीं हुआ। उनके पास जो था वो देगा, जिसके पास जैसा होता है वो ऐसा देता है। भक्ति वाले के पास भक्ति होती तो भक्ति देता है, अफवाह वाले के पास अफवाह होती तो अफवाह देता है, गाली वाले के पास गाली होती तो वो देता है। जिसके पास जो माल है वही तो देगा। किसके पास आनंद है तो आनंद देगा, सुख है तो सुख देगा, अशांति होगी तो अशांति देगा, फरियाद होगा तो फरियाद। कितलाक नो स्वभाव हो फरियाद नो आम लिखा बनो आम थयू ना आवा छे ना तेवा छे ना आम छे। जारे वात करो ने त्यारे बस काईक ने काईक आमली नो ज रस आपे, बीजू काई होय ज नहीं। कयों का स्वभाव होता है नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग। हा तो अघरू छे कठण छे, कथा करावी शु करे भाई आटला वधी कर, चलो आपड़े त्यां सांभळिया। अरे जो हकारात्मक होते प्रयत्न करते तो देर सबेर वैकुंठ भर जाता है। जय श्री कृष्ण। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल। जे हकारात्मक छे एमना माटे कई असंभव नथी, बधुज संभव थई जाय छे। पण जेमनु नकारात्मक वलण छे आपड़ा थी नहीं थाय, भर्यू दुनिया वड़ी खराब छे, कलयुग छे, आ तो मासी एवा छे, आ तो सासूबा आवा छे, एने छे ने पड़ोसी तो ए तो छे जेवो, अने आजे छे ने ए तो एक हाव बांद्रा जेवी छे, आ फलाणा जेवू छे। बस बधा दुनिया आखी खराब ज खराब लागे। दुनिया ने सुधारवानी के दुनिया ने अनुकूल करवानी जरूर नथी, पण आपड़ा हैया ने रिपेर करवानी जरूर छे। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल होए, अपना अहम छोड़ दे तो प्रेम करे सब कोई सियावर रामचंद्र की।
ઈશ્વર થી ઓતપ્રોત દુનિયા અને એમાં તને આ આવો છે ને આ આવો છે ને પેલો આવો છે ને પેલી આવી છે ને એમ કરીને તું હૈયાને આમ હિંડોળે ચડાવે તો પછી તારા હૈયાનો ઈલાજ કર પહેલા અને પછી જોયું જશે. જ્ઞાન કા ચશ્મા પહેન કે દેખો તો દુનિયા તુમકો ઈશ્વર માય દિખેગી, और विरोध का चश्मा पहन के देखो तो दुनिया ये काफर है, ये ऐसे हैं, ये वो ऐसा है, ऐसा है, ने मारो न पिलान झूड़ो न पिलान कापो. अरे मारो झूड़ो न कापो तो ये ठिकानो नहीं वड़े. जय श्री कृष्ण. जीवन जीने का ढंग आ जाए तो महाराज आपके लिए तो अपने पराये भी अपने हो जाएंगे. और जीवन जीने का ढंग नहीं तो अपने जात वाले क्या अपने कुटुंब वाले भी आपके शत्रु हो जाते हैं. जिसके साथ तू बात करता हो वो ऐसा है वैसा है मत सोचना, उसकी गहराई में मेरा नारायण बैठा है, मैं नारायण से बात कर रहा हूं. वो चाहे कुछ भी हो लेकिन तेरे ज्ञान में तो उसकी गहराई का नारायण दिखे, तेरा कार्य सफल होगा. और मदन मोहन मालवीय जी ने ये मां के मंत्र को ऐसा जीवन में उतार दिया कि महाराज बड़े बड़े काम किए मदन मोहन मालवीय जी ने. और उन्होंने फिर गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोजदार जी को ये विधि बताई कि मेरे को लाभ हुआ है, आप भी लाभ उठाना. और फिर उनके कुटुंबियों ने 40-50 कुटुंबियों ने लाभ उठाया और उन्होंने लोगों को भी बताया और हम लोग भी लाभ उठा सकते हैं. तो घर में अगर कोई झगड़ा टंटा चलता हो तो आप अशांति बढ़ाए नहीं, आप तुरंत चल ले जाना जहां मटके पड़े हो पानी के. एक लोटा भर लिया, एक छांटा मार दिया एक व्यक्ति लड़ने वाले को, दूसरा मार दिया दूसरे को, और तीसरा मारा अपने को, बोले नारायण 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 शू छे शनु अड़ग्यू छे. जय श्री कृष्ण. अगर मम्मी पप्पा लड़ते हो तो बच्चों को सिखा दो कि अमे जारे बराबर चगावे ने त्यारे लोटो पानी भरे ने तारा माथे ने अमारा माथे रेड़ी देवो ने पछी नारायण नारायण करीने वात करवी एटले अड़ग तू हाव ठंडू एम थशे. लो जीने की कला है. उद्वेग आवेश जल के छांटे पड़ने से ठंडा होता है. जैसे साधु पुरुषों के दर्शन से वासना का वेग शांत होता है, ऐसे शीतल जल के छांटे से क्रोध और विरोध का वेग शांत होता है. जैसे गीता के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है, ऐसे नारायण नाम के छांटे से अहंकार और कलह दूर होता है. અત્યારે હું ગોદાવરીની કથા કહું છું કે એકનાથજી મહારાજ કહે છે કે માતાજી તો એમ કરો ને દરરોજ હું તમારા કાંઠે આવીને તમને કથા સંભળાવું, આપકે કાંઠે પે આકર મેં આપકો કથા સુનાયા કરું. તબ ગોદાવરી માઈ કહેતી હૈ કે એકનાથજી મહારાજ લોગ ગોદાવરી માત કી જય કરકે પાણી મેં ગુત્તા મારતે, पाप ताप छोड़कर जाते वो तो निर्मल हो जाते और मेरा चित्त मैला हो जाता है, भारी हो जाता है. और चित्त मैला और भारी होने से अशांति होती है. एक एक कदम चलकर तुम्हारे जैसे संत के वचन सुनने को आती हूं तो मेरे पाप ताप दूर होते हैं, मेरे को सुख और शांति और आनंद और उल्लास का प्रसाद प्राप्त होता है. विरोधी लोग सुन रहे थे कि अरे ये तो साक्षात गोदावरी माता नारी का रूप धारण करके कथा सुनने को आती है और हम इस संत के बदनामी के लिए चंडाल चौकड़ी के हमने रचना की है, धिक्कार है हमारी बुद्धि को. अपना दोष अपने को दिखने लग जाए और प्रायश्चित हो तो दोष लंबा समय नहीं टिकता है. और जहां ब्रह्मवेता संत रहते हैं उस भूमि पर अगर अपने दोष का प्रायश्चित किया जाए तो शीघ्र ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो आदमी क्षिप्र माना जल्दी से धर्मात्मा हो जाता है. આપણામાં ગમે એવા ઊંડા દોષ હોય, ગમે તેવા મહાનમાં મહાન દોષ અને પાપ હોય, પણ બ્રહ્મચર્ચા જ્યાં થતી હોય તે જગ્યા એ દોષ અને પાપને છોડવાનો સંકલ્પ કરે અને નિર્દોષ નારાયણને વાલ કરે એ માણસ જલ્દીથી નિષ્પાપ અને નિર્દોષ નારાયણના અમૃતનો અધિકારી થઈ જાય છે. અપિચે દુરાચારે ભ્યો પાપે ભ્ય પાપ કૃતમ સર્વ જ્ઞાન પલ્લવેન વ્રજિનમ સંતરિષસ. એ અર્જુન તું પાપી થી પાપી દુરાચારી થી મહાદુરાચારી હો, પ્રિય પ્રિયતર પ્રિયતમ એમ પાપી અને પાપ કૃતમ મહાપાપી, પાપી નામ શ્રોમણી એવો પણ કોઈ આત્મા હોય પણ જો જ્ઞાનના માર્ગમાં આવી ગયો સત્સંગમાં આવી ગયો હોય પછી એ પાપી પોતાને પાપી નહીં માને. સત્સંગનો પ્રસાદ એને અડી ગયો
પછી એના પાપ પલાયન થઈ જશે. લાકડાનો 1000 મણનો ડગલો હોય અને દેવતા તમારો પાશેર હોય, પણ વ્યવસ્થિત જરા ફૂંકે રાખો તો 1000 મણ લાકડાનો શો પ્રભાવ પાશેર દેવતા આગળ. અગ્નિ તો પાવભર હૈ, પાવભર કોલસે હૈ, પાવભર અગ્નિ કા સામાન હૈ, પાવભર કેરોસિન હૈ, લેકિન હજારો મન લકડીઓ કો જલા સકતા હૈ. એસે હરિ કથા તુમ્હારે કાનો મેં જાતી હૈ, જન્મ જન્માંતર કે પાપ તાપ નિવૃત્ત કરકે જીવ આત્મા કો અપને શિવ આત્મા કી અનુભૂતિ કરા દેતી. इसलिए कबीर जी बोलते हैं कि कबीरा साधु दर्शन दिन में कीजिए कई बार. हम गुरुदेव के चरणों में थे और बार बार दर्शन होते थे, उस समय पता नहीं था कि कितना लाभ होता है. अभी पता चला कि बार बार गुरुओं का दर्शन करने से हृदय गुरु तत्व के प्रसाद से पावन हो जाता था.